हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मेरा नाम है राहुल सोनी। तो दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ये शेयर मार्केट का मैदान एक युद्ध के समान है। तो जो कोई भी इस युद्ध में उतरना चाह रहा है या पहले से उतर चुका है, उसको अपनी सभी तैयारियों के साथ उतरना चाहिए और सभी अस्त्र शस्त्र के साथ उतरना चाहिए। इसमें आपकी तैयारी और आपके अस्त्र और शस्त्र सभी का रोल बहुत ही अहम होता है। तो आज ऐसे ही एक अस्त्र और शस्त्र के बारे में बात करेंगे जो आपके इस युद्ध में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभा सकता है और जीत आपकी सुनिश्चित कर सकता है। तो दोस्तों, इस मैदान में जो भी आपकी हेल्प करेगा उसे हम युद्ध का अस्त्र और शस्त्र मानेंगे। ऐसे ही एक अस्त्र के बारे में पहले भी बात कर चुके हैं जिसका नाम है ट्रेडिंग व्यू। आज एक दूसरे अस्त्र के बारे में बात करेंगे जिसका उपयोग हम पिछले 1 साल से कर रहे हैं और उसका एक रियल रिव्यू आप लोगों के सामने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे। ये कोई भी पेड प्रमोशन नहीं है, ना ही हम किसी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। जिसका मैं खुद यूज कर रहा हूँ बस उसी का एक रिव्यू है और मुझे लगता है कि आप सभी को भी इसका उपयोग करना चाहिए। इसको मैं पिछले 1 साल से यूज कर रहा हूँ जो कि मेरे लिए बहुत ही यूजफुल साबित हुआ है और मेरी ट्रेडिंग जर्नी को और भी आसान बनाता है। कोई भी एक्सपीरियंस ट्रेडर हो, इतने सारे स्टॉक्स हमारे शेयर मार्केट में अवेलेबल हैं, उसको हर एक के चार्ट पैटर्न को देखना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। उसी मुश्किल काम को आसान करने के लिए और मेरा समय बचाने के लिए यह सॉफ्टवेयर बहुत उपयोगी है। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लोग ज़रूर एक बार इस सॉफ्टवेयर का उपयोग करें। इस सॉफ्टवेयर का नाम है की स्टॉक सॉफ्टवेयर और की स्टॉक सॉफ्टवेयर का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जहाँ से जाके आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप इसे ले सकते हैं। ये किसी प्रकार के आपके पैसों का व्यर्थ उपयोग नहीं होगा। वैसे भी अगर आप इस शेयर मार्केट से कमाना चाहते हैं तो इसको अपने इन्वेस्टमेंट समझें और ऐसे सॉफ्टवेयर का उपयोग करने में परहेज ना करें। तो ज़्यादा और बातें ना करते हुए चलते हैं, कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाते हैं कि आप कैसे इसको डाउनलोड कर सकते हैं और ये किस प्रकार से सॉफ्टवेयर दिखता है और तो कैसे आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तो बिना देर किए चलते हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पर। जैसा कि आप देख रहे हैं कि गूगल की वेबसाइट खुली हुई है, तो इसमें हम सर्च करेंगे की स्टॉक्स। तो वेबसाइट देख रहे हैं कि वही वेबसाइट, तो मेरे हिसाब से ये बेस्ट है। एक बार आपको आईडी मिल जाएगी आपकी मेल आईडी से, तो आप इसके फुल वर्जन का उपयोग कर सकते हैं और आपके लॉसेज होने लगते हैं तो समझ में नहीं आता है कि हम क्या करें। उस समय ऐसे सॉफ्टवेयर आपकी ट्रेडिंग जर्नी को बहुत ही ईजी, बहुत ही प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ देख रहे हैं सभी लेफ्ट साइड में सभी कैश की स्टॉक्स, MCX, ऑटो बैंक, इन्होंने खुद से बना के सभी स्टॉक्स 100, 200, टॉप 500 कमोडिटीज। आप कहीं भी सिंपली क्लिक कर सकते हैं और आपके उसी के नीचे देखिए उससे संबंधित सभी स्टॉक्स आ जाएंगे। मान लीजिए चल रहे हैं यहाँ पे फ्यूचर स्टॉक्स में, तो फ्यूचर स्टॉक्स में हमने क्लिक कर लिया। तो फ्यूचर स्टॉक्स, जिन स्टॉक्स में फ्यूचर ऑप्शन होते हैं वो सभी यहाँ पे आ गए। अब इसमें हमको स्कैन करना है कि कौन से स्टॉक्स, सपोज करिए कि हम 44MA का यूज कर सकते हैं कि 44 के सपोर्ट पे कौन सा स्टॉक्स है। यहाँ जाएंगे हम एम एनालिसिस के बाद हम क्लिक करेंगे एम ए स्लोप। ये कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आपके सामने आएगा। फर्स्ट ऑप्शन है 1MA स्लोप, 2MA स्लोप, 3MA स्लोप, मतलब एक बार में एक मूविंग एवरेज या दो या तीन मूविंग एवरेज तक एक बार में आप एक साथ स्कैन कर सकते हैं। तो मैं सिर्फ एक यूज़ कर सकता हूँ। यहाँ पे देखिए सिंपल मूविंग एवरेज यूज़ कर रहे हैं 44, पहले से एक क्लोज है। राइजिंग स्टॉक्स को हमको देखना है मिनिमम 3 बार, देन जस्ट सिंपली क्लिक स्कैन। देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं, सर्च ट्रेंड लाइन, नियर प्राइस, ट्रायंगल कट कर सकते हैं, राइजिंग वेज, फॉलिंग वेज, ट्रिपल बॉटम। जस्ट सिंपली आप यहाँ पे ऑप्शन ने दिया ट्रिपल बॉटम का, ट्रिपल बॉटम पे क्लिक करिए एंड सेंड स्कैन। तो इन सारे स्टॉक्स, जितने भी स्टॉक्स में ट्रिपल बॉटम बने होंगे वो आपके सामने आ जाएंगे। समय ले रहा है अभी स्कैन होने में। स्कैन होने के बाद दिखाते हैं आपको ये कैसे दिखाएगा। बढ़ा देता हूँ, RSI नीचे आएगा ही। इसको आप अगर सेव करना चाहते हैं एज ए वॉच लिस्ट, यहाँ देखिए ऊपर लिखा हुआ है प्रेस यस टू सेव रिजल्ट एज वॉच लिस्ट। आप इसको कीबोर्ड से यस दबाएं, सेव कर लिए, देखते हैं ये वॉच लिस्ट में आया कि नहीं आया। डिलीट नहीं करता ऑप्शन है, उसको डिलीट भी कर सकते हैं। वैसे ही कभी करके देखते हैं दोस्तों। सबसे बाएं साइड में यहाँ देखेंगे डाटा टाइप,
अगर आपको लोअर टाइम फ्रेम में जाना है तो लोअर टाइम फ्रेम क्लिक करिए, लोअर टाइम फ्रेम पे आप 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, यहाँ पे सभी ऑप्शन हैं, 75 मिनट, 90 मिनट, 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर्स, सभी का आप यहाँ उपयोग कर सकते हैं अलग अलग टाइम पे। तो दोस्तों आप इसका यूज करें और देखें कि कैसे है सॉफ्टवेयर, इसको हम एक वीडियो में कवर नहीं कर पाएंगे। अगर आप लोग कहेंगे तो हम फिर एक बार इसका वीडियो बना देंगे, लेकिन आज के लिए बस इतना ही। तो दोस्तों जैसा कि आपने देख ही लिया कि कीस्टॉक सॉफ्टवेयर कितना उपयोगी है, आप मिनटों में इतने स्टॉक्स, एफएनओ स्टॉक्स हैं, जितने भी स्टॉक्स हैं कीस्टॉक्स में अवेलेबल हैं, उनका मिनटों में स्कैन कर सकते हैं, कौन से चार्ट पैटर्न बन रहे हैं, कौन सा सपोर्ट रेजिस्टेंस बन रहा है, कहाँ पे हेड एंड शोल्डर बन रहा है, मिनटों में आपको रिजल्ट दे देगा, जिससे आप एक स्पेसिफिक स्टॉक्स को चुन सकते हैं डे ट्रेडिंग के लिए, पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में भी ये काफ़ी उपयोगी होगा। तो अगर आपको अच्छा लगा हुआ वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।